बलदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना की तीसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए वैक्सीनेशन कराने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। वैक्सीनेशन के लिए किशोरों के साथ साथ बुजुर्गों की भी काफी संख्या देखने को मिली। बुधवार को बलदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों के अलावा वैक्सीनेशन कराने वालों की संख्या में भी इजाफा देखा गया। बलदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर सोनू चतुर्वेदी के अनुसार वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है और तीसरी लहर के मद्देनजर यहां पर वैक्सीनेशन कराने वालों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है, जिसमें महिला पुरुषों के अलावा किशोर व किशोरियों ने भी टीकाकरण करवाया। इसकी जानकारी देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर सोनू चतुर्वेदी ने यह बताया। देखिए, ये बात सही है कि कोरोना में कुछ तेजी आई है और कुछ पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो उसको देखते हुए कि हमारा यही प्रयास है कि जिस तरीके से हमने फर्स्ट डोज जो लगभग हम 96% के आसपास पहुंच गए हैं, अब जितनी जल्दी हो सके हम जो प्लान बना रहे हैं कि 30 जनवरी तक हम सेकेंड डोज भी लगभग 100% करते हैं, और तकरीबन जो है हमारे 15 से 18 हैं साल के जो बच्चे हैं उनको भी लगभग 50% को हम कवर करते हैं, और इसीलिए हम डेली सेशन लगा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगवाएं और ज़्यादा से लोगों को हम भी टीका लगा सकें। और मेरी बाकायदा जो हमारी निगरानी समिति है, जिसमें प्रधान हैं, आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं और सेक्रेटरी हैं, तो उनसे भी अनुरोध किया है कि जो है अब अपने क्षेत्र में जो है अधिक से अधिक टीके लगवाएं।